बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित मोहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और अमित मोहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एसजी पीजीआई में उन्हें भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, मुख्य सचिव स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमित मोहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिसके बाद उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार जब कोरोना से पूरा देश जूझ रहा था उस वक्त पूरे देश को जागरूक कर रहे थे, प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे थे और पल पल की कोरोना को लेकर अपडेट दे रहे थे, जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से कोरोना को लेकर सरकार कदम उठा रही है। अब वही मुख्य सचिव खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जिसके बाद उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट, मुख्य सचिव स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित मोहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बढ़ते आगे, शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के जेल भरो आंदोलन में पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। प्रशासन ने विधायक के प्रदर्शन के लिए से बड़ी खबर, अमित मोहन मुख्य सचिव जो कि हैं उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और हमारे लखनऊ संवाददाता अमनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमनीश, जो पल पल की अपडेट कोरोना के समय में दे रहे थे, प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे थे, आज उनकी ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। फिलहाल उनकी तबीयत अब कैसी है? तौनी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी अपडेट है, मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिसके बाद उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, अमित मोहन प्रसाद की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई जिसके बाद उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से, जो लगातार प्रदेश की जनता को जागरूक कर रहे थे कोरोना के समय में, लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की और कोरोना की पल पल की अपडेट भी दे रहे थे, प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे कोरोना की रोकथाम के लिए उसकी अपडेट दे रहे थे, लेकिन आज उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खुद अमित मोहन स्वास्थ्य और हमारे संवाददाता अमनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमनीश, लगातार जिस तरह से कोरोना का समय जब पूरे देश में चल रहा था, प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे थे, उस वक्त अमित मोहन स्वास्थ्य लगातार काम कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डेली रोजाना की अपडेट दे रहे थे, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे थे उसको देकर भी लगातार जानकारियां दे रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन आज खुद वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अवनीश, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों से उनको दिक्कतें हो रही थी जिसको लेकर उन्होंने कोरोना की जांच कराई। कोरोना की जांच कराने के दौरान उनका कोविड पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने के बाद उनको एहतियात के रूप में अभी एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया है जहाँ पे वो क्वारंटीन होंगे और वहाँ उनका इलाज चलेगा। तो कुल मिलाकर लगातार अमित मोहन कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में जितनी भी हालात है उस पर निगरानी रखे हुए थे, लगातार बयान भी देते थे, अपडेट कराते थे। तो कुल मिलाकर अब अमित मोहन कोरोना पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और एसजी पीजीआई की पूरी टीम उनके इलाज में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ होंगे। हालांकि उनके जो लक्षण है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही उनकी दूसरी रिपोर्ट आती है उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कोरोना की रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती है तो उन्हें एसजी पीजीआई में भर्ती कराया गया है। जी अमनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।